हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सो आज हम बात करने वाले हैं सुगंधा के और एक प्रोडक्ट के बारे में। मैं बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ इस ब्रांड से दोस्तों, और मुझे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स जो है पसंद आए। सो मैंने इनका ये पॉपुलर व्हाइट लोटस मॉइस्चराइजर भी परचेस किया दोस्तों, क्योंकि दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, एंड मेरी स्किन ऑयली कॉम्बो ही आप बोल सकते हो। वी जोन जो है मेरा वो नॉर्मल है, और टी जोन जो है बहुत ज्यादा ऑयली है। स्पेशली ये नोज एंड बटरफ्लाई एरिया जो है बहुत ज्यादा ऑयली है दोस्तों, और इसे मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। तो मैं हमेशा कोई भी ऐसा ऑयल फ्री एकदम लाइट जेल मॉइस्चराइजर ढूंढती रहती हूँ, तो ये प्रोडक्ट ट्राई करना जरूर बनता था मेरे लिए। सो इसे मैंने उनके वेबसाइट से परचेस किया है। 50 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी में आता है, 750 rupees इसका प्राइस है, लेकिन डिस्काउंट में आपको इससे भी कम प्राइस में मिलेगा। मैंने अनसेंटेड वर्जन परचेस किया है, क्योंकि मुझे स्किन केयर में फ्रेग्रेंस या एसेंशियल ऑयल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जहां पे अवॉइड कर सकती हूँ मैं वहां पे अवॉइड करती हूँ दोस्तों। एक साल का इसका एक्सपायरी डेट है, तो एक साल के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो, और ग्लास बॉटल में आता है। बहुत ही सस्टेनेबल पैकेजिंग है दोस्तों इनका, आप इसे रीयूज भी कर सकते हो। पंप पैकेजिंग है, ये तो प्लास्टिक का है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा पैकेजिंग मैं बोलूंगी दोस्तों। सो ये जो सेंटेड एंड अनसेंटेड वाला जो वर्जन उन्होंने लाया है दोस्तों, पहले तो मैं ब्रांड को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी और थैंक यू भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज द वन एंड ओनली ब्रांड इन इंडिया जो कि ऐसा ऑप्शन देता है, क्योंकि ऐसा प्रिविलेज तो सिर्फ हमें कोरियन ब्रांड्स ही दे सकते हैं दोस्तों। सो सच में थैंक यू सो मच सुगंधा। सो चलिए प्रोडक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो टेक्सचर है एकदम जेल टाइप का है, सीरम टाइप का है दोस्तों। इसे एक्चुअली हम मॉइस्चराइजर भी नहीं बोल सकते हैं, ये सीरम टाइप का है, और बहुत अच्छे से ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है दोस्तों। बिल्कुल भी ऐसा स्टिकी या ऑयली रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। यस, ये ऑफकोर्स ये ऑयली ऑयल फ्री है, तो ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं बनाता है आपके स्किन को, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। एकदम वेटलेस लाइट टेक्सचर है, लगता भी नहीं है मैंने कुछ मॉइस्चराइजर लगाया है। सो इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट शॉर्ट स्वीट एंड अमेजिंग है दोस्तों। नायसिनामाइड सेकेंड इंग्रेडिएंट है, 3% नायसिनामाइड इस प्रोडक्ट में है दोस्तों। आपके सीबम प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में मदद करेगा, स्किन को इवन आउट करेगा। एक अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है दोस्तों। सो मुझे काफी अच्छा लगा। व्हाइट लोटस मॉइस्चराइजर एग्जैक्टली क्या करता है नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है ये स्किन को हाइड्रेट करने में मॉइस्चराइज करने में मदद करता रहेगा। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो स्किन का फिर से व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए मदद करता है। ग्लिसरीन है दोस्तों, ह्यूमेक्टेंट है, तो वाटर लॉस होने से बचाएगा स्किन से दोस्तों। और बाकी के भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। पैंथेनॉल है, मॉइस्चराइज करने के लिए मदद करेगा। एलेंटोइन है दोस्तों, स्किन कंडीशनिंग इंग्रेडिएंट है, और बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं। बाकी के जो नीचे के इंग्रेडिएंट्स है वो सब इमल्सीफायर या जो थिकनेस रहते हैं वो सब इंग्रेडिएंट्स है। बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट लिस्ट इसमें यूज किया गया है दोस्तों। मेरा वर्जन जो है वो अनसेंटेड है, इसीलिए इसमें एसेंशियल ऑयल्स नहीं है, लेकिन कौन से एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं वो भी उनके वेबसाइट पे दिया गया है दोस्तों, या आप उन्हें कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट एकदम अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसके काम के बारे में बोलूंगी तो लास्ट 1 month से मैं इसे यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है, बिल्कुल भी ग्रीजी या ऑयली नहीं बनाता है, एकदम वेटलेस फिनिश देता है दोस्तों। मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करता है, इसका कुछ भी बुरा इफेक्ट मुझे नहीं दिखा, बिल्कुल भी ऐसा कुछ ब्रेकआउट्स या पर्जिंग सेंसिटिविटी का इश्यू नहीं हुआ, बहुत अच्छे से वर्क करता है दोस्तों। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन ब्यूटी जरूर ट्राई कीजिए, ये आपके लिए होली ग्रेल हो सकता है। बिल्कुल भी ऐसा ग्रीजी ऑयली नहीं बनाता है, स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी करता है। ड्राई स्किन ब्यूटीज आप इसे एज अ सीरम यूज कर सकते हो, क्योंकि एज अ मॉइस्चराइजर ये आपको इफेक्ट नहीं देखा मॉइस्चराइजिंग का। लेकिन विंटर्स में एज अ मॉइस्चराइजर हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं, विंटर्स में एज अ सीरम ही इसे यूज करना पड़ेगा। इवन आपकी स्किन ऑयली भी रहेगी तो भी ये आपको सफिशियंट मॉइस्चर नहीं दे पाएगा, तो आपको अलग से थोड़ा सा रिच मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ेगा। इसमें नायसिनामाइड है, लेकिन उसके इफेक्ट्स मुझे कुछ दिखे नहीं। मेरी स्किन कुछ ऐसे इवन आउट होने में कुछ मदद नहीं हुई दोस्तों, सीबम कुछ रिडक्शन नहीं हुआ दोस्तों, इवन पोर साइज में भी कुछ डिफरेंस नहीं देखा। तो एज अ मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन दूसरे कुछ इफेक्ट्स मुझे इसके नहीं। इवन इनका मैंने नायसिनामाइड सीरम भी यूज किया है और उसका भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो ओवरऑल एक अच्छा मॉइस्चराइजर है ये।
ये प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है जिनको नायसिनामाइड अपने रूटीन में ऐड करना है। इसमें सिर्फ 3% नायसिनामाइड है। कुछ लोगों को डायरेक्ट ऐसा हायर परसेंटेज वाला सीरम ऐड नहीं करना रहता है, या कुछ लोगों की स्किन हैंडल नहीं कर पाती है ज़्यादा परसेंटेज, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, बिगिनर फ्रेंडली इसे हम बोल सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं उनको सीरम फॉर्म में नहीं चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप्स नहीं चाहिए रहते अपने स्किन केयर में, एक ऑल इन वन प्रोडक्ट चाहिए रहता है, तो उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है, ऑल इन वन प्रोडक्ट है, आप ट्राई कर सकते हो इसे। बस प्राइस वाइज मुझे प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा लगा दोस्तों। महंगा मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जैक्टली मैं इसे 1 month से यूज़ कर रही हूँ और 1 month में ये प्रोडक्ट 35-40 ml फिनिश हो गया है। हार्डली 15-10 ml प्रोडक्ट बचा है दोस्तों, जो मुझे एक 10-15 दिन तक यूज़ होगा। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा प्राइजियर साइड में है दोस्तों, क्योंकि मेरे जो पुराने मॉइस्चराइजर थे 50-60 ml अगर उनका प्रोडक्ट क्वान्टिटी रहता है तो वो मुझे 2-2.5 महीने तक यूज़ होते हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है। लेकिन ऑल ओवर बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन ब्यूटीज़, आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हो, आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसे लगा। सो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे रहोगे तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सेम नाम से मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। वहाँ पे भी मैं छोटी छोटी स्टोरी शेयर करती रहती हूँ, कुछ भी स्किन केयर रिलेटेड रहेगी तो, एंड डील्स डिस्काउंट भी शेयर करती रहती हूँ। वहाँ पे हम स्किन केयर रिलेटेड पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।